हेलो व्यूअर्स, की हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि सारे बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में एक और कार बाजार की डिटेल दूंगा, और जिन लोगों को पंजाबी समझने में दिक्कत हो रही है तो भाई साहब आप लोगों के लिए जो है ना स्क्रीन पे जो है ना यहाँ पे आपको डिटेलें शो हो जाएगी, फ्लैश हो जाएगी, आप लोगों को पता लग जाएगा कौन सी कार का क्या नाम है, क्या प्राइस है, क्या कितनी चली है, सभी चीज़ें आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी, है ना। तो मैं दसना चाहूँगा कि इस वीडियो के ना हिंदी और पंजाबी थोड़े जे मिक्स करने की कोशिश करूँगा, ताकि ये दोनों जिन्होंने भी हिंदी समझने के दिक्कत आ रही है उन्होंने भी समझ आ जाए, तो पंजाबी वाले पंजाबी भी क्लीयर हो जाए, ठीक है। तो वीडियो के बने रहो। तो एक चीज़ होर कहना चाहूँगा कि यूट्यूब में पता नहीं मेरे चैनल तो की दिक्कत है, जो भी कोई वीडियो अपलोड करता ना वो नोटिफिकेशन ज़्यादा लोगों तक नहीं भेज रहा यूट्यूब वालों। तो इसलिए मैं कहूँगा कि मैं जिदा लगातार वीडियो अपलोड कर रहा, तो तुम भी सूँ सपोर्ट करो भी, जो भी कोई वीडियो अपलोड करता तो भी फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक नूं शेयर करया करो, ताकि ज़्यादा तो ज़्यादा लोग देख सके इस वीडियो नूं। लगे करें स्टार्ट वीडियो नूं। तो ये पहली कार है जिद आप स्टार्ट करने लगे ब्रिजा, तो ये फर्स्ट कार है जिदी फ्रंट लुक तुसी देख सकते हो, ब्रिजा ZDI फ्रंट लुक कुछ इदा दी है। तो हुण साइड लुक देख लो, लॉय व्हील वगैरह देख सकते हो, बहुत वधिया कंडीशन दे विच आ। ते गाइस हुण तुहानूं अंदरों दिखाउण दी अंदरों दी कंडीशन तुहानूं दिखाऊंगा, ये तुसीं देख सकते हो। यह है 2016 मॉडल, तो 40,000 किलोमीटर चली हुई है, बहुत वधिया कंडीशन आ, देख सकते हो। बाकी तां बाकी सीट वगैरह देख लो, ते गाइस यह है डीजल दे विच, ते डिमांड है 7,35,000 मैनुअल दे विच आ, कुछ इदां दी कंडीशन सी। ते इस ब्रिजा ZDI दी बैक लुक आ, देख सकते हो। बाकी तो नेक्स्ट है क्रेटा हुंडई की, और ये क्रेटा SX है जिसकी फ्रंट लुक कुछ इस तरह की है। आप लोगों का बहुत कमेंट आता है भी क्रेटा और ब्रिजा दिखाने के लिए, तो ये दोनों आपको दिखा रहे हैं इस वीडियो में। फ्रंट लुक आप देख सकते हो बिल्कुल न्यू कंडीशन में है। तो गाइस ये है 2015 मॉडल, और 7,900 किलोमीटर चली हुई है, रेड कलर में है, डीजल है, मैनुअल है, और इंश्योरेंस नहीं है इस पर, ठीक है। तो अंदरों यदि कंडीशन देख सकते हो, बहुत वधिया कंडीशन है। तो 7,95,000 डिमांड है, ये प्राइस सारा कुछ नैगोसीएबल रहेगा, ऑन टेबल थोड़ा डिस्काउंट दिता जाऊगा। सीट की कंडीशन देख सकते हो,
तो ये है क्रेटा एक्स एक्स का जो बैक साइड, ड्राइव व्हील वगैरह चेक कर लो। तो नेक्स्ट है होंडा वी एक्स 2016 मॉडल, फ्रंट लुक देख सकते हो। और ये है 9800 किलोमीटर चली हुई है, डीजल में है। और इसका कुछ लुक इस तरह का, लाइव व्हील वगैरह चेक कर सकते हो आप। तो वैसे इसके अंदर की कंडीशन देख लो, बहुत बढ़िया कंडीशन है। सीट वगैरह देख सकते हो। तो 7,35,000 आस्किंग प्राइस है, ऑन टेबल थोड़ा डिस्काउंट वगैरह जो भी होगा मान कर दिता जाऊगा। देख सकते हो कंडीशन बहुत बढ़िया कंडीशन है। तो यह है बैक लुक होंडा सिटी VX, बहुत बढ़िया कंडीशन दे विच है, देख सकते हो बाकी ता। तो नेक्स्ट है स्कोडा रैपिड, फ्रंट लुक कुछ इस तरह की है। यह है 2012 मॉडल, 9500 किलोमीटर चली हुई है गड्डी, बाकी तुसी देख सकते हो कंडीशन 2012 मॉडल है, देख लो न्यू कंडीशन दे विच है। और एक ऐसी डिमांड की गल करिए तो 3,85,000 डिमांड है। एक्चुअली मेरे को लिस्ट आता, लिस्ट दे विच देख देख के मैं सारा कुछ क्लीयर करना पैंदा। तो बाकी देख सकते हो ओवरलुक बहुत वधिया कंडीशन है। तो हुण गड्डी दे अंदरों की कंडीशन देख लो, नेक्स्ट है आल्टो K10 VXI 2011 मॉडल, और 3700 किलोमीटर 37,000 किलोमीटर चली हुई है। ये 37,000 किलोमीटर चली हुई है, वाइट है, पेट्रोल दे विच है, देख सकते हो। ते इंश्योरेंस 2021 तक का, इंश्योरेंस बारे एक बार डिटेल जब पता करोगे तो पूछ लियो, शायद 2021 तक है। तो डिमांड ये है बैक साइड आल्टो K10, बढ़िया कंडीशन है। तो इस दी अंदरों अंदर दी कंडीशन देख सकते हो, बहुत बढ़िया कंडीशन है। एक्चुअली जो मेरा मेरे को लिस्ट दिता गया ना, इस लिस्ट दे इहदा प्राइस मैनशन नहीं है, इहनू मैं पूछ के फिर मैं फ्लैश कर दूंगा स्क्रीन ते, देख लो कुछ ए कंडीशन है। नेक्स्ट है निशान सनी 2012 मॉडल, लुधियाना नंबर है, फ्रंट लुक देख सकते हो। तो ये लॉय व्हील वगैरह देख लो, 2012 मॉडल का कंडीशन बहुत बढ़िया है। तो 90,000 किलोमीटर चली हुई है, डीजल दे विच है, मैनुअल तो इंश्योरेंस नहीं है। 2,95,000 डिमांड है। यदि अंदर की कंडीशन तुसी देख सकते हो कुछ इस तरह की है। ते सीट वगैरह देख लो, ते गाइस नेक्स्ट है रैपिड 2016 मॉडल, फ्रंट लुक देख सकते हो।
70,000 किलोमीटर चली हुई है डीजल दे विच, ते इंश्योरेंस फुल है। पाँच लाख 85,000 डिमांड रखी गई है, देख सकते हो। बाकी लुक देख लो गड्डी दी, हुण चलदे अंदर, अंदरों दिखाऊंगा तुहानू मैं। ते गाइस ये है अंदर की कंडीशन, बहुत साफ सुथरी गड्डी है, देख सकते हो। बाकी तो सीट का कंडीशन देख सकते हो, बहुत वधिया कंडीशन है गड्डी। नेक्स्ट है गाइस ये है होंडा अमेज, जो कि 2020 मॉडल आ, देख सकते हो, बिल्कुल न्यू गड्डी है, 2020 मॉडल, 10,000 चली हुई है, देख सकते हो। ऑटोमैटिक, ये फुल ऑटोमैटिक है। बाकी फ्रंट लुक तुसी देख लो, हुण चलदे अंदर, अंदरों दिखाऊंगा इहदी कंडीशन। गाइस तुसी अंदरों कंडीशन देख सकते हो, इहदी डिमांड 735 है, बिल्कुल न्यू कंडीशन दे विच है, 2020 मॉडल, 10,000 चली है बस, देख लो। ते सीट वगैरह देख सकते हो, ते नेक्स्ट है ग्रैंड i10, देख सकते हो फ्रंट लुक। ये है 2015 मॉडल, 40,000 किलोमीटर चली हुई है, ते डीजल दे विच है। ते 4,35,000 डिमांड है, ते देख सकते हो अंदरों कंडीशन है दी, बहुत वधिया कंडीशन है। ते गाइस नेक्स्ट है होंडा WR-V, फ्रंट लुक देख लो। यह है 2018 मॉडल, 20,000 किलोमीटर चली हुई है गड्डी, ते डीजल दे विच इंश्योरेंस फुल है, ते 8,25,000 डिमांड है। ते गाइस अंदरों कंडीशन देख सकते हो, लाइट प्रॉपर है नहीं इत्थे, ते धुंधली फोटो आ रही है, बाकी तुसी देख लो, है गड्डी बिल्कुल साफ है, देख सकते हो। बाकी दा नेक्स्ट है सियाज, फ्रंट लुक देख लो। ये है 2017 मॉडल, ते 60,000 किलोमीटर चली है, फ्रंट लुक कुछ इस तरह की है, सिल्वर कलर है ये, ते डीजल दे विच है, इंश्योरेंस खत्म आ, 6,95,000 डिमांड है, देख सकते हो 6,95,000 ये डिमांड आ। ते गाइस अंदरों की कंडीशन तुसी, अंदर की कंडीशन देख लो, गड्डी लॉक है, ते चाबी ऑफिस के अंदर पई है, ते तुसी उदा ही देख लो, सीट वगैरह देख लो, ते ठीक है, इन्हें नाल ही काम चलाओ। ते जे ज़्यादा डिटेल चाहिए होगी तो फोटो मंगवा सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन दे विच मैं दे ही दूंगा। ते नेक्स्ट है SX-4 2010 मॉडल, फ्रंट लुक देख लो,
ਅਤੇ ਇਹਦੀ 3,15,000 ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੀਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਿਊ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਬੈਕ ਸਾਈਡ, SX4 VXI ਮਾਡਲ ਦੇਖ ਲਓ, 2010 ਮਾਡਲ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫੋਰਡ ਫਿਗੋ, ਫਰੰਟ ਲੁੱਕ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੱਲੀ ਹੈ 2014 ਮਾਡਲ ਹੈ, 67,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। 3,45,000 ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, 3,45,000 ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਸੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਬਨ ਵਗੈਰਾ ਬੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ।